सर, मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम लोग बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 17 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है वो आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, फाइनेंस के लिए, करियर के लिए कैसा रहेगा, तो इन सब चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी, एक्सपेंसेस आपके कैसे रहेंगे, फादर मदर के साथ में रिलेशन कैसे रहेंगे, ओवरऑल सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। लोन कैसा रहेगा आपका, हेल्थ ओवरऑल कैसी रहेगी, नई नौकरी मिलने के क्या क्या चांसेस हैं, स्टूडेंट के लिए टाइम कैसा रहेगा, तो ओवरऑल ये सब चीजें आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सारी राशियों के ऊपर बात करेंगे, मेष राशि से लेकर यहाँ पर मीन राशि तक की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरी बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और हम लाकर दे सके। और एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन जरूर मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली राशि की बात करते हैं, जो कि है हमारी मेष राशि। तो देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करें तो देखिए, गुरु चंडाल योग आपके पहले घर में बैठा हुआ है, यानी राहु और गुरुदेव की युति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में थोड़े से अनवांटेड थॉट्स इस समय चल सकते हैं। हो सकता है कि जो हमारा माइंड है उसमें थोड़े से अनवांटेड थॉट्स आए, लेकिन अभी एक अच्छी बात यह है कि गुरु और राहु के बीच की जो डिग्री है वो काफी बढ़ चुकी है, यानी इन दोनों के बीच में अब डिस्टेंस काफी बढ़ चुका है। तो गुरु चंडाल योग का प्रभाव अब धीरे धीरे आपकी कुंडली से कम होने लग जाएगा, और जो स्ट्रेस एंजाइटी अगर आपके ऊपर को चल रहा था तो वो धीरे धीरे आपको कम होता हुआ महसूस देगा। उसके बाद में बात करें, देखिए सेवेंथ हाउस में आपके केतु ग्रह बैठे हुए हैं। तो जब केतु ग्रह सेवेंथ हाउस में होते हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ में जो हमारे रिलेशन है वो कुछ अच्छे नहीं रह सकते। हमारा लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। तो इस समय कोई नई डील करने से बचें, कोई भी नया काम करने से बचें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छा बिहेवियर रखें, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ पर सूर्य और मरकरी अभी एक साथ आ चुके हैं, और सूर्य और मरकरी एक साथ आकर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आपका जो इंटेलिजेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। कहीं ना कहीं शनिदेव आपके लाभ के स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि जब शनिदेव अपने खुद के घर में बैठे हुए हैं लाभ स्थान में, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही अच्छे फल देंगे, हमारी इनकम काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। हो सकता है कि जो हमारा फ्रेंड सर्किल है उससे हमें कुछ गेंस देखने को जरूर मिले, हमारा भाग्य भी इस समय हमें सपोर्ट करेगा। उसके बाद देखिए, हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारे मंगल देव हैं वो हमारे फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं, और मंगल देव का फिफ्थ हाउस थोड़ा सा मित्रों का हाउस होता है। तो यानी कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको कोई अच्छी न्यूज देखने को मिल सकती है। वीनस भी आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड भी कोई अच्छी खबर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन शनि और मंगल की एक परस्पर दृष्टि भी यहाँ पर बनी हुई है, तो थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिएगा। पेट से जुड़े हुए रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो उनका ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि थोड़ी सी हेल्थ आपकी आगे पीछे रहे, जो कि मंथ एंड तक ठीक हो जाएगी। देखिए, जितने भी मेष राशि के जातक हैं वो सबसे अच्छा उनके लिए क्या रहता है, हनुमान जी की वो उपासना करें। मंगलवार के दिन में मंगल जाए और मंदिर जाकर वहां पर हनुमान जी को आप लाल रंग का चोला चढ़ाइए, बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। साथ ही साथ में हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ नित्यदिन करिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए वृषभ राशि की। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो देखिए, सूर्य और मरकरी का जो बुध आदित्य योग है वो आपके थर्ड हाउस में इस समय बन रहा है, और थर्ड हाउस जो होता है वो भाई बहन का हाउस होता है, कम्युनिकेशन का हाउस होता है, और मरकरी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय आपका कम्युनिकेशन काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, लोगों के साथ में जो आपका बिहेवियर है वो अच्छा रहेगा, भाई बहन के साथ में रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। अब आपके शनिदेव यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और यहाँ से वो आपके जो 4th हाउस है उसके ऊपर दृष्टि बना रहे हैं, जहाँ पर आपके मंगल देव बैठे हुए हैं। तो माँ की सेहत के लिए ये समय उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ये समय प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए उतना अच्छा नहीं है, कोई नया काम करने के लिए समय उतना अच्छा नहीं है। तो इस समय थोड़ा बच के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु चांडाल योग आपके 12th हाउस में बना है, यानी राहु आपके 12th हाउस में इस समय बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चा आपको ज्यादा हो सकता है। हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस अनकंट्रोल्ड हो जाएं, आपके जो खर्चे हैं जरूरत से ज्यादा हो जाएं, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कहीं ना कहीं गुरुदेव आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो इस समय किसी गुरु के अंदर आप कुछ दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर कुछ दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं केतु आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई आपका अगर मैटर चल रहा था तो उसमें सावधानी देने की जरूरत है। लोन या कर्जे से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा था तो उसको नया कर्जा इस समय नहीं लेना है,
पुराना कर्ज चुकाने के लिए भी समय अच्छा नहीं है, नौकरी के लिए भी समय उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा नहीं रहे। राशि वाले जो जातक हैं उनके जो लग्न के लॉर्ड होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव इस समय मंगल देव के साथ में युति बनाकर फोर्थ हाउस के अंदर बैठे हैं, जो और मंगल थोड़े से पाप प्रभावी ग्रह होते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ की सेहत के लिए समय उतना अच्छा नहीं है, नई प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय उतना अच्छा नहीं है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि वो लक्ष्मी माता की उपासना करें, शुक्रवार के दिन में सफेद चीजों का दान करें, तो समय उनके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं हम मिथुन राशि की बात करते हैं, तो देखिए मिथुन राशि की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो शनिदेव कहीं ना कहीं यहाँ पे नाइन्थ हाउस में बैठे हैं, तो भाग्य का आपको साथ अवश्य देंगे क्योंकि वो अपने खुद के घर में बैठे हुए हैं। गुरु चंडल योग आपके इलेवेंथ हाउस में बन रहा है, और यहाँ पर देखिए राहु देव बैठे हुए हैं, तो हो सकता है आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो, तो ये देखने को मिल सकता है। जुपिटर भी बैठे हुए हैं, तो फ्रेंड सर्किल से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, फ्रेंड सर्किल का सपोर्ट आपको मिल सकता है, सोशल सर्किल आपका काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। और आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं इस समय वो सेकेंड हाउस के अंदर बैठे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा धन प्राप्ति का योग बना रहे हैं, यानी कि इस समय आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, हो सकता है आपका बैंक बैलेंस इस समय बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं अगर गणेश भगवान की उपासना करेंगे तो ये समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। गणेश भगवान की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, बहुत अच्छा समय रहेगा। कहीं ना कहीं केतु इस समय आपके फिफ्थ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो बच्चों से रिलेटेड थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हेल्थ को आपने ख्याल रखिएगा, हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी आपको खराब चीज देखने को मिल सकती है, तो अपनी हेल्थ का इस समय काफी ज्यादा ख्याल रख के चलेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा समय अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखिए सबसे अच्छा क्या रहेगा इस समय, वो गणेश जी की उपासना करें, बुधवार के दिन में हरी चीजों का दान करें, तो समय उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए कर्क राशि की बात करते हैं, तो आपके लग्न में इस समय बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो आपका इंटेलिजेंस इस समय काफी ज्यादा अच्छा होगा, आप काफी अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, आपका इंटेलेक्ट काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए हम बात करें कि कहीं ना कहीं शनिदेव आपके अष्टम हो जाएंगे इस समय, तो देखिए जब शनिदेव इंसान के अष्टम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पेट से जुड़े हुए रोग दे देते हैं, कॉन्स्टिपेशन दे देते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो कोलन होता है, इंटेस्टाइन होता है, उससे जुड़ी हुई समस्या हमें देखने को मिल सकती है, तो पेट का ख्याल रखना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। केतु ग्रह सेवन आपका यहाँ पर बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नई प्रॉपर्टी लेने के लिए समय अच्छा नहीं है, नया घर लेने के लिए समय उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन गुरुदेव आपके कर्म क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं जो कि बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पर गुरुदेव जब कर्म क्षेत्र के अंदर होते हैं तो कर्म को काफी ज्यादा अच्छा कर देते हैं, तो कर्म के लिए समय ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगलदेव कहीं ना कहीं सेकंड हाउस के अंदर आपके बैठे हुए हैं, तो हो सकता है आपका खाना पीना थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड हो जाए, और आप हो सकता है कि थोड़ा सा बाहर का खाना ज्यादा खाएं, या परिवार में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो आप अपनी जो वाणी है उसके ऊपर कंट्रोल रखिएगा, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। राशि वाले जातकों के लिए सबसे अच्छा रहेगा सोमवार के दिन में उपवास करना, शिव भगवान की पूजा करना। देखिए सावन का महीना तो चल ही रहा है, तो आप शिव भगवान की आराधना करेंगे तो आपके लिए समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। सोमवार के दिन में अगर आप चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे तो भी आपके लिए समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, और सोमवार के दिन में सभी चीजों का दान करेंगे तो भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं, देखिए सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं, तो देखिए आपके लग्न में मंगलदेव बैठे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा आपको आ सकता है, गुस्सा आपको परेशान हो सकता है, थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर आपका हो सकता है। उसके बाद देखिए जुपिटर आपके नाइन्थ हाउस में बैठे हैं, राहु के साथ में गुरु चंडाल योग का निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन राहु उसमें थोड़ी सी कमी ले आएंगे, और देखिए यहाँ पर राहु थोड़ी सी आपकी बुद्धि को भी खराब कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपनी बुद्धि का भी ख्याल रख के चलना पड़ेगा। शनिदेव आपके यहाँ पर सेवंथ हाउस में बैठे हैं, जो स्पाउस के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है, तो आपका जो स्पाउस के साथ में रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ पर देखिए जो आपका स्पाउस है उससे आपको गेंस भी देखने को मिल सकते हैं। केतु आपके थर्ड हाउस के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो भाई बहन के साथ में रिलेशन को संभाल के रखेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा सूर्य नमस्कार करना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा चला जाएगा। उसके बाद देखिए कन्या राशि वाले जातकों की बात करें, तो देखिए जो कन्या राशि वाले जातक हैं इनके लग्न के लॉर्ड इस समय इनके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो इनकी तो बल्ले बल्ले वाला समय है। अगर आप कन्या राशि के हैं तो समय बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी वाणी से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, आपकी वाणी इस समय बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है, तो अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक कम्युनिकेटर हैं, अगर आपका कोई वाणी से जुड़ा हुआ काम है तो आपको बहुत ही ज्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी, और ये महीना आपको गेंस भी अच्छे मिलेंगे, सोशल सर्किट से फायदा भी आपको काफी ज्यादा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मंगल आपके 12th हाउस में चले गए हैं, तो थोड़े से खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, तो
तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में कुछ दान करना या किसी गुरु के आश्रम में दान करना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए जो गुरु चरणाल योग है आपके 8th हाउस के अंदर बन रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गुरुदेव पेट से जुड़ी हुई समस्या यानी लीवर से जुड़ी समस्या, किडनी से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो कहीं ना कहीं पेट का ख्याल रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए शनिदेव की पोजीशन इस समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है, क्योंकि शनिदेव छठे घर में बैठे हुए हैं अपनी खुद की राशि में, तो नौकरी के लिए समय अच्छा रहेगा। यहाँ पर कोई अगर कोर्ट के मुकदमा चल रहा है तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है और हेल्थ भी आपकी काफी ज्यादा इस समय अच्छी रह सकती है। सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा गणेश भगवान की उपासना करें और बुधवार के दिन में हरी चीज का दान करें, विष्णु भगवान की उपासना करें, समय आपके लिए बढ़िया रहे। तुला राशि वाले जातकों के लग्न में केतु ग्रह बैठे हुए हैं, तो देखिए जो केतु ग्रह जब लग्न में आकर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग इंसान को होती है, इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता, तो कोई भी बड़ा डिसीजन अगर लाइफ का लेना है तो थोड़ा सा इस समय लेने से आप बचें। और कहीं ना कहीं राहु आपके 7th हाउस में बैठे हैं तो जीवन साथी के साथ भी थोड़ी नोक झोंक थोड़ी तकरार हो सकती है, तो वो भी आप थोड़ा सा करने से बचें। उसके बाद में देखिए शनिदेव आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं 5th हाउस के अंदर, तो जब शनिदेव 5th हाउस के अंदर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ी हुई आपको अच्छी खबर देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी हेल्थ आपकी जरूर आगे पीछे हो सकती है, आपको थोड़ा सा आलस आ सकता है लेकिन एक्सरसाइज रोज करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगलदेव आपके 11th हाउस में यहाँ पर आकर बैठ गए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से जो गेम्स होंगे आपके वो अच्छे होंगे, क्योंकि मंगल आपके बहुत ही फ्रेंडली साइन के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उतना आपको दिक्कत नहीं देंगे। और बुधादित्य योग जो है सूर्य और बुध देव का वो आपके कर्म क्षेत्र के अंदर बन रहा है, तो आप कर्म के थ्रू आप काफी ज्यादा गेन्स कर सकते हैं, आपके कर्म बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, जो प्रोफेशनल लाइफ है आपकी वो काफी ज्यादा अच्छी चलेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपने फ्रेंडली साइन के अंदर है, मरकरी भी काफी अच्छी पोजिशन में है यहाँ पर। तो आपके लिए देखिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, आप लक्ष्मी माता की उपासना करें, लक्ष्मी नारायण कवच का पाठ करें, आप शुक्रवार के दिन में सभी चीजों का दान करें, समय अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की यानी कि स्कॉर्पियो, तो आपके लग्न के लॉर्ड इस समय आपके कर्म क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं, तो फाइनेंस सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़े हुआ बिजनेस है, तो समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं गुरु चंडा लोग 6th हाउस के अंदर बैठ रहा है तो नई नौकरी के चांसेस भी आपके लिए काफी ज्यादा बनेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ रही है, 4th और 10th हाउस का कनेक्शन कहीं ना कहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं माँ की सेहत का ख्याल रखिएगा, नई प्रॉपर्टी नया वाहन इस समय लेने से बचिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुधादित्य योग आपके 9th हाउस के अंदर बन रहा है तो भाग्य का सपोर्ट आपको अवश्य मिलेगा, भाग्य आपका अच्छा रहेगा। और आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, हनुमान जी की उपासना करना, लाल रंग की चीजों का मंगलवार के दिन में दान करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आगे धनु राशि की बात कर दें तो देखिए धनु राशि के जातक कुछ समय से परेशान चल रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि जो गुरु चंडाल योग है वो धीरे धीरे उसकी डिग्री कम होती जा रही है, तो उनके माइंड की जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब देखिए जो हमारे धनु राशि वाले जातक हैं उनके लिए समय थोड़ा सा अच्छा आ चुका है, क्योंकि जो गुरुदेव बृहस्पति है वो उनके 2 केंद्र के लॉर्ड बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और इनके त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो समय बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर देखने को आपको मिल सकती है, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी रहेगी, भाग्य आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव आपके यहाँ पर 3rd हाउस में बैठे हैं तो भाई बहनों के साथ में जो रिलेशन अगर खराब भी चल रहे थे तो अब आपके अच्छे होने लग जाएंगे, लेकिन शनिदेव आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलसी बना सकते हैं, तो एक्सरसाइज रोज करिएगा, एक्सरसाइज डेली करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गेंस कहीं ना कहीं थोड़े से कम देखने को इस समय मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल सर्किल उतना आपका अच्छा नहीं रहेगा और हो सकता है कि डेली इनकम में थोड़ी आपकी कमी देखने को मिले, बट गुरुदेव बृहस्पति की अगर आप उपासना करेंगे, अगर आप यहाँ पर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, गुरुवार के दिन में सभी चीजों का दान करेंगे तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर हम मकर राशि की बात करें तो देखिए मकर राशि के जो जातक हैं, अब मकर राशि के मकर राशि के लॉर्ड होते हैं शनिदेव जो कि मंगल की दृष्टि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी आलस परेशान कर सकता है, गुस्सा परेशान कर सकता है, हो सकता है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इशू आपको परेशान करे, तो सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। केतु ग्रह आपके कर्म क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं और जब केतु ग्रह कर्म क्षेत्र के अंदर आपके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बॉस के साथ में आर्गुमेंट हो सकते हैं, बॉस के साथ में झगड़े हो सकते हैं, प्रोफेशनली आपको समझ में नहीं आया कि आप क्या डिसीजन ले, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। गुरु चंडाल योग 4th हाउस में बना हुआ है तो माँ की सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहे इस बात का ख्याल रखिएगा,
लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से जो जुपिटर है वो आपके खर्चे के भाव को भी देख रहे हैं, तो खर्चा कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे और आपके कष्ट स्थान को देख रहे हैं। तो मंगल से अगर आपको पेट की कोई समस्या हो रही है तो जुपिटर उसमें आपको जरूर आराम दिलाएंगे। सबसे अच्छा आपके लिए देखिए क्या रहेगा, आप शनिवार के दिन में शनि भगवान के मंदिर जाएं, वहां पर जाकर दिया जलाएं, आपके लिए समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो समय अच्छा रहेगा, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ओवरऑल महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम कुंभ राशि वाले जातक की बात करें तो आपके लग्न के स्वामी लग्न में ही बैठे हुए हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न के स्वामी के ऊपर, तो हेल्थ का ख्याल रखिएगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन आपको परेशान कर सकता है, पेट से जुड़ी परेशानी आपको हो सकती है, जीवन साथी के साथ में रिलेशन थोड़े से खराब हो सकते हैं, उसका ख्याल रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जुपिटर थर्ड हाउस में आपके बैठे हैं तो इससे आपकी डिजायर थोड़ी सी कम रहेंगी, आपको बहुत ज्यादा हो सकता है चीजों की इच्छा ना हो, जो कि एक अच्छा साइन है। और आप काफी ज्यादा इस समय अपने आप को बहुत ही ज्यादा आप सात्विक आप अपने आप को महसूस करेंगे, तो समय आपके लिए अच्छा है। अब केतु देखिए आपके नाइन्थ हाउस में बैठे हैं तो स्पिरिचुअलिटी आपकी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, हो सकता है आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं। लेकिन पिता के साथ जो सेहत आपके रिलेशन है उसका आप ख्याल रखिएगा। अब देखिए मंगल जब आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं सेवेंथ हाउस के अंदर तो आपको गुस्सा जरूर दिला सकते हैं, तो गुस्से का ख्याल रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा मीठी चीजों का प्रयोग करिए, खट्टी चीजें और नमकीन चीजें थोड़ी कम खाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुधादित्य योग आपके सिक्स हाउस में बना हुआ है तो नौकरी के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है, आप अपनी वाणी के थ्रू अच्छी नई नौकरी पा सकते हैं और अगर आपका कम्युनिकेशन का कोई काम है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। शनिदेव के मंदिर जाइए, शनि भगवान को दिया जलाइए, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। शनिवार के साथ में आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जला सकते हैं, वो भी अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा। आखिरी राशि की बात करते हैं तो देखिए आखिरी राशि है हमारी आज की मीन राशि। तो मीन राशि के जो लग्न के लॉर्ड होते हैं यानी कि गुरुदेव बृहस्पति, वो सेकंड हाउस के अंदर बैठे हैं तो आपके लिए भी समय अच्छा रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए फाइनेंशियली चीजें काफी ज्यादा अच्छी करेंगे, उसके साथ में गुरुदेव बृहस्पति आपको प्रोफेशनली भी आपको चीजें काफी ज्यादा अच्छी देंगे। बुद्धि आपकी काफी ज्यादा जो नेगेटिव चल रही थी अच्छी हो जाएगी। शनिदेव आपके कहीं ना कहीं ट्वेल्थ हाउस में यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम के थ्रू आपको गेन हो सकता है, हॉस्पिटल के काम के थ्रू आप कहीं से गेन देखने को मिल सकता है। बुधादित्य योग यहाँ पर आपके फिफ्थ हाउस में बन रहा है जो सूर्य का मित्र हाउस है, सूर्य का खुद का हाउस है, तो गवर्नमेंट अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बच्चों से रिलेटेड किसी चीज से परेशान है तो समय अच्छा रहेगा, हेल्थ भी आपकी इस समय थोड़ी सी अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं देखिए मंगल आपके छठे घर में बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कर्जे से अगर आप परेशान हैं तो ये समय थोड़ा परेशान कर सकता है। अगर आप रोग से परेशान हैं तो समय थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप नई नौकरी देख रहे हैं तो ये समय समय परिवर्तन करने के लिए आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, अगले महीने करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा गुरुवार के दिन में पीली वस्तुओं का दान करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए और लेकर आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।